वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमलगमेशन या फिर एकीकरण या एमलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों के एकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है एएस एच पर एएस 14 इसको बोलते हैं लेखांकन प्रमाप 14। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, एएस बना हुआ है, तो एकीकरण जो है एएस 14 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जैसे कैश फ्लो आपने पढ़ा होगा तो कैश फ्लो जो है एएस 10 में आता है। तो आगे जो है तो हर चीज़ का जो है एएस का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमाप, हर चीज़ का जो है एएस बना हुआ है। तो आपको जो है कंपनियों का जो एकीकरण है वो एएस 14 के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एमलगमेशन होता क्या है, एमलगमेशन, ठीक है, या इसी को हिंदी में बोलते हैं एकीकरण, एकीकरण। तो आइए हम आपको इसकी परिभाषा समझाते हैं। कहा गया है कि एकीकरण के बारे में, जब दो या इससे अधिक कंपनियां का समापन हो जाता है, मतलब कंपनी बंद हो जाती है, मान लेते हैं कि ए लिमिटेड है, दूसरा जो है बी लिमिटेड है, दोनों ही कंपनी बंद हो जाती है और इसको खरीदने के लिए जो है एक नई कंपनी का निर्माण होता है, मान लेते हैं कि सी लिमिटेड, सी लिमिटेड का निर्माण हुआ है। यहाँ पर दो कंपनी बंद हो रही है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और दोनों ही कंपनी को खरीद बंद हो चुकी है, इसको खरीदने के लिए एक नई कंपनी का निर्माण होता है सी लिमिटेड। तो सी का काम है ए और बी को परचेज करना, खरीद लेना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पुरानी कंपनी जो है ना वो उसका जो व्यापार है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है और उस व्यापार को खरीदने के लिए एक नई कंपनी का जन्म होता है, उसको हम बोलते हैं एकीकरण, ठीक है ना। दोबारा इसका डिफिनेशन हम बोलने जा रहे हैं। एकीकरण के बारे में कहा गया है कि जब दो या मोर देन अधिक कंपनियां समापन में आती हैं और इसके व्यापार को लेने के लिए एक नई कंपनी का जन्म होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। दो या दो से अधिक कंपनी का लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन का हिंदी क्या होता है, समापन होता है, लिक्विडेशन। दो या अधिक कंपनियों का लिक्विडेशन समापन होता है और उस कंपनी को खरीदने के लिए एक नई कंपनी का फॉर्मेशन मतलब निर्माण होता है, जन्म होता है, तो इसे हम कहते हैं एकीकरण, ठीक है ना। तो ये था एकीकरण का डिफिनेशन, दो या अधिक कंपनियों का समापन और इस कंपनी के व्यापार को खरीदने के लिए एक नई कंपनी का जन्म होता है, निर्माण होता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं। तो एकीकरण जो है ना वह दो, एकीकरण को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है क्रय के स्वभाव का और दूसरा होता है विलय के स्वभाव का। ये होता है, पहला होता है विलय के स्वभाव का एकीकरण, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मर्ज नेचर, मर्ज नेचर। और दूसरा होता है क्रय के स्वभाव का एकीकरण, क्रय के स्वभाव का एकीकरण, इसको बोलते हैं परचेज नेचर या नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ परचेज, क्रय के स्वभाव का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि विलय के स्वभाव का एकीकरण क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है, अभी आपने इसका डिफिनेशन पढ़ा कि दो या अधिक कंपनियों का समापन होता है, तो जो कंपनी समापन में होती है या फिर जो कंपनी बंद होती है, जिस कंपनी का समापन होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरक कंपनी, हस्तांतरक कंपनी। और जो कंपनी इस कंपनी को जो कंपनी इस कंपनी को खरीदने के लिए तैयार होती है या फिर जिस कंपनी का निर्माण होता है इस कंपनी को खरीदने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। तो इसको वो हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरी कंपनी, हस्तांतरी कंपनी, ठीक है ना। तो दो कंपनियां यहां पर हो गया, जिस कंपनी का समापन होता है उसको हम बोलते हैं हस्तांतरक कंपनी, जिसका लिक्विडेशन होता है, जो कंपनी बंद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हस्तांतरक या ट्रांसफरर कंपनी।
और इस कंपनी को खरीदने के लिए जिस कंपनी का जन्म होता है, निर्माण होता है या फिर फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं हस्तांतरी कंपनी। ये हो गया हस्तांतरक कंपनी और ये क्या हो गया हस्तांतरी कंपनी। तो पहला कंडीशन आपको पढ़ना है कि कौन सा विलय के स्वभाव का एकीकरण कहलाएगा और कौन सा क्रय के स्वभाव का एकीकरण कहलाएगा। तो पहला है कि हम कैसे पहचानेंगे ये जो है विलय के स्वभाव का एकीकरण है। तो पहला कंडीशन है कि एकीकरण के बाद जो हस्तांतरण कंपनी की सभी संपत्तियां और जो दायित्व है ना, कंडीशन है कि एकीकरण के बाद जो ये हस्तांतरक कंपनी की जो भी संपत्ति है और जो दायित्व है ना, वह हस्तांतरी कंपनी की हो जाएंगी। ये पहला कंडीशन है। क्या पहला कंडीशन क्या है कि जो भी अस्थाई संपत्ति या फिर दायित्व है वह जो है ये एकीकरण के बाद हस्तांतरी कंपनी की हो जाएगी। दूसरा कंडीशन है कि हस्तांतरी कंपनी एवं उसकी सहायक कंपनी एकीकरण के पहले तक ग्रहण किए गए हस्तांतरण कंपनी हस्तांतरक कंपनी के जो अंश हैं या फिर जो अन्य साधारण अंश के अंकित मूल्य के कम से कम 90% अंशधारी जो है हस्तांतरी कंपनी के साधारण अंशधारी एकीकरण के बाद बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसका एक नाम डाल देते हैं, मान लो कि जो ट्रांसफर कंपनी है एक ए है एक बी लिमिटेड है, एक ए लिमिटेड है दूसरा क्या है बी लिमिटेड है, और इसको खरीदने के लिए जो है आपने सी लिमिटेड का निर्माण किया है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कहता है कि हस्तांतरी कंपनी मतलब ये जो सी लिमिटेड है ये हस्तांतरी कंपनी, और यदि कोई इसकी सहायक कंपनी है, मान लेते हैं कि डी लिमिटेड जो है क्या है डी लिमिटेड जो है सी की सहायक कंपनी है, ठीक है ना। तो जो हस्तांतरी कंपनी है सी और डी या इसकी सहायक कंपनी एकीकरण के पहले मतलब जो आज एकीकरण हो रहा है ना, इससे पहले यदि सी और डी ने जो है ए और बी का कोई शेयर खरीदा था, ठीक है ना, मतलब एकीकरण से पहले जो है यदि कोई शेयर ग्रहण किया है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उन साधारण अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम मतलब यदि आप जो है ना मान लेते हैं कि 100 रुपये का शेयर आपने खरीदा था, इसका जो है कम से कम 90% जो है ना अंशधारी हस्तांतरी कंपनी के साधारण अंशधारी जो है एकीकरण के बाद बने जाएंगे या बने रहेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यदि मान लो कि सी ने क्या किया है ए और बी का जो है 100 रुपये का शेयर खरीद लिया है, ठीक है ना, ये एकीकरण से पहले खरीदा है। तो अब है कि एकीकरण के बाद जो है ना जो सी लिमिटेड है इस 100 में से 90% जो है वह अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। कितना परसेंट 90% जो है सी जो है अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि हस्तांतरक कंपनी जो होता है एमलगेमेशन के बाद जो इसकी संपत्ति है ना वो किसकी बन जाती है हस्तांतरी कंपनी की बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो एमलगेमेशन से पहले इसने जो है ए और बी का यदि 100 रुपये का शेयर खरीदा है तो 100 में से जो है 90% जो शेयर है ना अर्थात 90 रुपये का शेयर जो है वह सी का जो है ना जैसे पहले था वैसे ही बना रहेगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन कहता है, दो पॉइंट हो गया, पहला क्या हो गया जो भी संपत्ति और दायित्व है वो जो है किसका बन जाएगा एकीकरण के बाद वो जो है हस्तांतरी कंपनी के हो जाएंगे। दूसरा क्या कहा आपने कि यदि आपने एमलगेमेशन से पहले यदि ए और बी का कोई संपत्ति खरीदा है सॉरी शेयर खरीदा है तो उस शेयर का जो है 90% जो है वो आपका बना रहेगा, आपका मतलब सी लिमिटेड का बना रहेगा, हस्तांतरी कंपनी का बना रहेगा। अगला पॉइंट कहता है, नंबर 3 कहता है कि जो हस्तांतरक कंपनी है कि वे सभी साधारण अंशधारी जो हस्तांतरी कंपनी के साधारण अंशधारी बनने के लिए स्वीकृति देते हैं, मतलब जो भी ए और बी का शेयर होल्डर है एमलगेमेशन के बाद वह जो है सी लिमिटेड का जो है ना शेयर होल्डर बनने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, कल तक हम ए लिमिटेड के अंशधारी थे आज से हम सी लिमिटेड के अंशधारी कहलाएंगे। तो मतलब जो भी शेयर होल्डर है उसने अपनी सहमति दे दी है। तो ऐसे कंडीशन में कहता है कि उन्हें हस्तांतरी कंपनी द्वारा अपने साधारण अंशों का निर्गमन करते हुए एकीकरण के बाद जो है जो भी पूर्णतः भुगतान है उसको किया जाएगा। मतलब जैसे मान लो कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का शेयर होल्डर है उसने जो है सी लिमिटेड का शेयर होल्डर बनने के लिए अपनी सहमति हमें प्रदान कर दी। तो ऐसे कंडीशन में जो ए का शेयर होल्डर है उसको तो पेमेंट चाहिए, तो पेमेंट जो है ना कौन करेगा तो सी लिमिटेड पेमेंट करेगा।
वह एकमुश्त पेमेंट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पेमेंट है वह उसको नकदी में करना होगा, ठीक है ना। मतलब जो भी ए एन बी लिमिटेड का शेयर होल्डर है उसका पेमेंट कौन करेगा, सी लिमिटेड करेगा। कुछ पेमेंट वह नकद में कर सकता है, बाकी जो है एकमुश्त भुगतान करेगा। और नंबर चार कहता है कि हस्तांतरित कंपनी द्वारा एकीकरण के बाद हस्तांतरक कंपनी के व्यवसाय को चालू रखा जाएगा। मतलब जो भी हस्तांतरित कंपनी है, मान लो यहाँ पर सी लिमिटेड है, इसने क्या किया है, ए और बी को परचेज कर लिया है, ए बी कंपनी को परचेज कर लिया है, तो परचेज करने के बाद जो है ए और बी का जो बिजनेस है ना उसको चालू रखा जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। ये एमलगमेशन का चौथा पॉइंट है। फिर आगे कहता है पांचवा पॉइंट कि हस्तांतरित कंपनी के वित्तीय विवरणों में, मतलब जो बैलेंस शीट है उसको बोलते हैं वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरणों में जो है हस्तांतरक कंपनी की सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को, मतलब जो भी सी लिमिटेड है इसने ए और बी से जो भी संपत्ति या फिर दायित्व जो है लिया है ना, उन सभी संपत्ति और दायित्वों को पुस्तकीय मूल्य पर दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये था पांच पॉइंट किसके लिए, तो विलय के स्वभाव का एकीकरण होने के लिए। आगे है कि क्रय के स्वभाव का एकीकरण होने के लिए। तो इसमें कहा गया है कि क्रय के स्वभाव के एकीकरण के बारे में कहा गया है। ये जो पांच पॉइंट अभी आपने पढ़ा कि विलय के स्वभाव के लिए पांच जो है ना पॉइंट का होना आवश्यक है, यदि इनमें से कोई एक भी पॉइंट जो है ना, एक या एक से अधिक जो है ना वाक्य या शर्त जो है पूरा नहीं होता है, तो यह जो एकीकरण है वह क्रय के स्वभाव का एकीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब पाँच शर्तों में से यदि कोई एक या अधिक शर्त पूर्ति नहीं हो पाती है, जो एकीकरण का स्वभाव है वह क्रय के स्वभाव का माना जाएगा। और इसमें खास बात क्या है क्रय के स्वभाव के एकीकरण में, इसमें अभी आपने पढ़ा कि विलय के स्वभाव के एकीकरण में जो है जो हस्तांतरक कंपनी का व्यापार होता है, जिससे ए और बी का जो व्यापार था वह चालू रहेगा, सिर्फ नाम जो है सी का चलेगा लेकिन इसका व्यापार चालू रहेगा। लेकिन क्रय के स्वभाव के एकीकरण में क्या होता है, जो हस्तांतरक कंपनी होती है उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और जिसने इस कंपनी को खरीदा है जो हस्तांतरित कंपनी है उसके नाम से इसका कारोबार चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा डिफिनेशन एमलगमेशन का। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हस्तांतरक कंपनी है और जो हस्तांतरित कंपनी है उसके बही में कौन कौन से लेखे किए जाते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।